बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास के बायोलॉजी में, वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 40 यानी रिप्रोडक्शन चैप्टर में लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लाइफ साइकिल फ्लावरिंग प्लांट्स में फिर हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि गैमेटोफाइट जनरेशन जिसे कहते हैं, स्पोरोफाइट जनरेशन जिसे कहते हैं, और डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। हमारा जो टॉपिक है, जो ब्रॉड टॉपिक है, वो है डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। उनमें हम पढ़ रहे थे अबाउट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसे जो पहले लेक्चर है उनमें हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के फीमेल गैमेटोफाइट किस तरह डेवलप होता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी आज हम पढ़ेंगे मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में कि प्लांट में मेल गैमेटोफाइट किस तरह डेवलप होता है। हमने फ्लावर के स्ट्रक्चर में ऐसा एक स्ट्रक्चर पढ़ा था जिसे हम क्या कहते थे, ये है हमारे साथ स्टेम। स्टेम हमारे साथ दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, एक को हम कहते हैं एंकर और दूसरा पार्ट जो स्टेम का है वो है फिलामेंट। एक है हमारे साथ एंकर और दूसरा है फिलामेंट। याद रखिए, एंकर में हमारे साथ स्पोर्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये हमारे साथ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। याद रखिए, प्लांट में जो मेल स्पोर्स होते हैं इसे हम माइक्रोस्पोर कहते हैं, जो फीमेल स्पोर होते हैं उसे हम मेगा स्पोर कहते हैं। मेगा स्पोर के बारे में हमने पढ़ा है प्रीवियस लेक्चर में। तो हमारे साथ याद रखिए कि मेल गैमेटोफाइट हमारे साथ डेवलप होता है, मेल गैमेटोफाइट जो है गैमेटोफाइट ये डेवलप होता है फ्रॉम मेल स्पोर यानी माइक्रोस्पोर। और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो होते हैं, यहाँ पर ये मदर सेल्स हम यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मियोसिस नहीं हुआ है अभी तक, तो इसीलिए हम इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं। और ये डिप्लॉइड होते हैं, टू एंड टू एंड का मीन कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पुल है, ये डिप्लॉइड नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पर मौजूद है, इसमें मियोसिस अभी तक नहीं हुआ है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या होता है कि हमारे साथ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस अकर हो जाता है, मियोसिस, और इस मियासिस के रिजल्ट में हमारे साथ फोर हेम्प्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। फोर हेम्प्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, फोर हेम्प्लॉइड सेल्स बनते हैं, इसमें फर्दर माइटोसिस अगर हो जाते हैं। अगर मैं यहां से एक सेल एक स्पोर ले लूं, इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हो जाते हैं, मियासिस। मियासिस के रिजल्ट में हमारे पास फोर हेम्प्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, नंबर क्रोमोसोम हाफ, क्योंकि गैमेट संघ से कहते हैं हैप्लॉइड सेल्स को गैमेट कहते हैं, जो रिप्रोडक्शन होते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे साथ मियासिस जरूरी है, रिप्रोडक्शन गैमेट्स बनाने के लिए। यानी हमने पढ़ा था 9th क्लास में, हमने पढ़ा होगा कि मियासिस का एक इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमारे साथ गैमेट्स को बनाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर गैमेट्स बनते हैं फ्रॉम मेल स्पोर यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स से, फोर हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं, इसे हम गैमेट्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक हेप्लॉइड सेल जो है ये फंक्शन होता है और इसमें हमारे साथ माइटोसिस हो जाता है, माइटोसिस, और माइटोसिस में हमारे साथ टू सेल्स आर प्रोड्यूस, दो सेल्स हमारे साथ बन जाते हैं, मगर माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे साथ सेम होंगे, यानी ये भी हेप्लॉइड है, यहाँ पर भी हेप्लॉइड होंगे, क्योंकि माइटोसिस का डेफिनेशन हम करते हैं कि हमारे साथ ये सेल डिवीजन की वो टाइप है जिसमें एक सेल दो सेल्स में डिवाइड हो जाए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट आ जाए, उसे माइटोसिस कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मियासिस अकर हो जाता है जिसमें हमारे साथ फोर हेप्लॉइड सेल्स बनते हैं, फिर इस एक फंक्शनल जो माइक्रोस्पोर है इसे हम हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर कहते हैं,
फिर एक हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, एक हैप्लॉइड सेल जो है जो माइक्रोस्पोर है उसमें हमारे साथ मियासिस अकर हो जाते हैं और टू न्यूक्लियाई बनते हैं। यहाँ पर इसके बाद हमारे साथ क्या हो जाता है कि एक सेल, इनमें जो वन सेल है इसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल, हमारे साथ क्या है इसे सॉरी इसे हम कहते हैं ट्यूब सेल, और दूसरा जो है वो है जनरेटिव सेल, और इसे जनरेटिव सेल। ये हमारे साथ एक कंप्लीट माइक्रोस्पोर बन गया। फिर ये माइक्रोस्पोर हमारे साथ जाएगा और कहां पर जाएगा, कार्पेल के स्टिग्मा को, कार्पेल के स्टिग्मा को। मगर ये हम इसके बाद जो हमारे साथ टॉपिक है पोलिनेशन उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पोलिनेशन किस तरह होता है। हमने सिर्फ ये पढ़ना था कि फीमेल गैमेटोफाइट किस तरह डिवेलप होता है और मेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, आज हमने पढ़ा अबाउट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट कि हमारे पास स्टेमन है, स्टेमन हमारे साथ एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये हमारे साथ इसमें जो इसका इंटर पार्ट है इसमें स्पोर्स होते हैं जिसे हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहते हैं, जो डिप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर ये डिवाइड होते हैं, इसमें हमारे साथ मियासिस अगर हो जाता है, एक सेल फोर सेल ये डिवाइड हो जाता है और फिर एक फंक्शनल सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है टू में। एक सेल को हम ट्यूब सेल कहते हैं, दूसरा जो है वो हमारे साथ जनरेटिव सेल। ट्यूब सेल जब स्टिग्मा को ये माइक्रोस्पोर सेल्स जो है ये आएंगे तो ट्यूब सेल हमारे साथ पोलन ट्यूब बनाएगा और जनरेटिव सेल जो है वो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व। इंशाल्लाह इसके बाद जो मैंने है पोलिनेशन, नेक्स्ट स्टेप जो हमारे साथ लाइफ साइकिल फ्लावरिंग प्लांट, ये हमने फर्स्ट स्टेज पढ़ा डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट्स, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स तैयार हो गए। इसके बाद हम पढ़ेंगे पोलिनेशन यानी स्टेज नंबर सेकंड, वो डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेट्स इट, लेट्स एन अ पार्ट टुडे, थैंक यू।